मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई है, नाश्ता भी हो गया है और पहली बार मुझे हाई स्लेट में धूप दिख रही है। हालांकि हवा चल रही है, आवाज़ आ रही है मेरे को, अभी तक मैं बाहर तो नहीं गया हूँ। ये था मेरा कमरा जो कि आपने कल भी देखा। सो बेसिक सा कमरा, दो ट्विन बेड्स, एक खिड़की, एक टेबल, एक चेयर, एक और टेबल जो कि सिलाई मशीन वाला टेबल है, और यहाँ पर एक काफ़ी स्पेशियस शावर, वॉशरूम, सिंक। ठीक है, सो एंड यहाँ पर कुछ और कमरे, काफ़ी होम स्टे टाइप वाली फीलिंग है और मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी। इस जगह का नाम है वाइल्डनेस सेंटर। रात का डिनर भी कमाल का था और अभी का ब्रेकफास्ट भी कमाल का था जो मैंने किया है। मिस्टर शुभम ने नहीं किया है क्योंकि अभी सो करके उठ रहे हैं। तो अभी यहाँ पर रिसेप्शन पे होटल में, मतलब होम स्टे होटल जो भी कह लीजिए आप इसको, यहाँ पर एक लड़की काम करती है, उससे मिला मैं। शी इज फ्रॉम नेदरलैंड एंड उसने मुझे कुछ कुछ चीज़ें बताई क्या क्या करना है। मैं रिसर्च करके आया था बट आई थिंक उसके सजेशन जो है, उसकी जो आइटनरी है वो ज़्यादा फॉलो करने लायक है। तो मैं जा रहा हूँ उससे मिलने और जो उसके लिए ऑफिस जाना है वो बाहर से जाना है। मीनवाइल मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये कॉमन एरियाज हैं जहाँ पर बैठ करके आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। दिस इज़ वेयर आई डिड माई ब्रेकफास्ट एंड ये पूरा किचन का एरिया। दिस इज़ ही इज़ फ्रॉम Czech Republic. He works here and has been really helping me. And he's also a fellow YouTuber. What's your YouTube channel name? Adam Berger Travel. Adam Berger Travel. Yes. And his name is Adam. Like as in Adam and Eve? That's Adam. Yeah. Nice to meet you, bro. Nice to meet you. And look at this view, dude. देख रहा हूँ बाहर कैसी नदी चल रही है। अभी मिलने जा रहा हूँ मैं मैडम से एक आइटनरी फिक्स करने के लिए, तो उसके लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। So I met Alka here. She works here. She's here for the summer job. I don't know, for the summer job or you? No, for the whole year. Oh wow. Okay. So she's permanently based out of Iceland, which is I'm envy of. Okay, and so I just met her and she's very knowledgeable about the places. I had done my research, but she made the perfect itinerary for today and I'm just going to follow her itinerary. And thank you so very much. You're welcome. Let's find out how it goes and I'll share the pictures with you. Yes, enjoy. Yeah, nice meeting you. Have a good one. You too. See you soon. See you soon. Bye. Bye. वाइल्डनेस सेंटर का जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ उसका बोर्ड। ये रहा पार्किंग लॉट। पार्किंग लॉट पर गाड़ी पहुँचाने में जहाँ पर रुके वहाँ से लगा हुआ है 12 मिनट या 15 मिनट। यार जाऊँगा किधर से, गेट तो क्लोज है पर लिखा है प्लीज क्लोज द गेट सो द शीप वॉन्ट स्केप। तो ये हमको खोलना है ऐसे। ओके, एंड देन फिर इसको वापस से लगा देना है। हाइक की सबसे बुरी बात क्या होती है, चढ़ाई करनी पड़ती है। इट इज़ विंडी एंड जो वेदर है, जो टेम्परेचर है वो करीब 12 डिग्री सेल्सियस है। ठीक ठाक ऊंचाई तक आ चुका हूँ मैं। इस जगह पर एक रेस्ट स्टॉप बना हुआ है, व्यू भी अच्छा होगा। आप सीधा सीधा ऐसे हाइक कर सकते हो या फिर ऐसे गोल घूम करके जा सकते हो। रॉकी सा है और स्टेबल है, लेकिन मतलब मैं इसको इजी टू मॉडरेट हाइक ही कहूँगा बिकॉज आप बहुत ईजली इसके ऊपर किसी भी जूते में वैसे आ सकते हैं, लेकिन ट्रैकिंग या हाइकिंग शूज़ हैं तो बेटर है क्योंकि ग्रिप अच्छी मिलेगी तो एनर्जी कम लगेगी। काफ़ी ऊपर मैं आ गया हूँ और हवा बहुत तेज़ चल रही है तो मुझे बहुत चीख चीख करके बात करना पड़ रहा है, लेकिन यार मज़ा जो आ रहा है ना क्या बताओ। छोटे छोटे जो झरने हैं वो दिखने लग गए हैं, हालांकि फॉल काफ़ी दूर से वैसे भी दिख रहा था, लेकिन
जो व्यू है ना यार यहाँ से, ये देखो, जस्ट लुक एट दिस व्यू। ऐसे पूरा ऐसे लेकर के ऐसे जाना है। ये एक रास्ता बना दिया गया ताकि हम इन भेड़ बकरियों के पास ना पहुंच जाए। मैं बोलूँगा तुम खाओ, इक्को को जो है जो हमको देख लेता। यहाँ से गुजर रहे हैं हम, ऑटोग्राफ ले लो मेरा, फिर दोबारा तुमको मौका मिले ना मिले कोई इज्जत नहीं है। चलो फिर हम अपने रास्ते चलते हैं। देखो कहीं कहीं पर ना ऐसे पत्थर हैं, तो कुछ एरियाज जो है ना वो ट्रिकी हैं, तो थोड़ा सा पैर जमा करके आना है ना, नहीं तो केस गड़बड़ा सकता है। भाई साहब क्या लग रहा है यार, ये पहुंच गया हूँ बिल्कुल फॉल तक। अब इसके आगे पत्थर है, उनको क्रॉस करके आप फॉल को थोड़ा और नजदीक से देख सकते हो, लेकिन जो व्यू यहाँ से आ रहा है वही सेम व्यू वहां से आएगा। काफी सारे ऐसे वाले बोल्डर्स जो हैं बड़े बड़े, वो क्रॉस करने पड़ेंगे। ओके, ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है क्रॉस करना। अगर मैं कहीं भी गया तो पानी में ही जाऊंगा सीधा। मैं बस इस पॉइंट तक जाना चाह रहा हूँ, ये जो पत्थर दिख रहा है ना ये वाला, ये बस यहाँ तक जाना चाह रहा हूँ, एंड देन प्रोबेबली आई जस्ट स्टिक टू दैट प्लेस। वाओ, रेनबो, एंड दिस इज आइसलैंड्स हाईएस्ट वाटरफॉल हेगीफॉस। Was Iceland's tallest waterfall, Hengifoss. Togafoss और Seljalandsfoss जो है वो बहुत ज़्यादा पानी है उसके अंदर, तो वो देख करके ऐसा लगता है कि हाँ भैया आइसलैंड में कुछ देखा है हमने। ये tallest है, highest है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी water का level उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन at the same time जो canyon की hike है और जो यहाँ तक आने का जो experience है वो बहुत अच्छा है। So that was everything from here. Time to go to the next destination. आइसलैंड में बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, तो अगर आप जो भी करना चाहें आप वो कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी आइटनरी बन सकती है 14-15 दिन की, बहुत सारी चीज़ें। सो मैंने अपने हिसाब से चुनी है, ज़रूरी नहीं है जो मैं कर रहा हूँ आप भी वही करो। मुझे जो सही लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ, आपको जो सही लगता है वो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मेरा वाला भी सही लगता है तो आप ये वाला रिपीट भी कर सकते हैं। सो इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें करो। ठीक है, एंड लेट्स गो 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 फास्ट। ओहो, पैंट की हालत देखना, ये गाड़ी से लगा है ना अभी, अंधा हो गया। खींचना पड़ेगा आज, खींचना पड़ेगा कपड़ा, खींचना पड़ेगा। ये तो डेड एंड आ गया भैया, बस लेकिन मुझे तो वहां जाना था, अब कैसे जाऊंगा मैं वहां? मुझे सीरियसली यहाँ पर जाना था, ये वाली जगह पे, बस इस जगह पर पहुँचना था मुझे और यहाँ पे ये वाले को देखना था सामने से, बट इस जगह को मैं देख ही नहीं सकता यहाँ से। उसके लिए उस तरफ जाना पड़ेगा और किसी पॉइंट पर मुझे ये रिवर के उस तरफ होना था, और ये कहीं नहीं लिखा था, बट आई एम श्योर कि काफ़ी सारे लोगों को पता था, तभी उस तरफ भी लोग दिख रहे हैं मुझे। ओके, जो उस तुबला गिल आपको पार्किंग दिखता है गूगल के ऊपर, वहाँ से आप नीचे नहीं जा सकते। आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे रिवर के उस तरफ होना है ताकि आप नीचे की तरफ वॉक करते हुए बिल्कुल कैनियन तक जा सको।
सो दिस इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग और मैं यहाँ से ड्रोन शॉट्स नहीं लूँगा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ वापस। नहीं, दिस इज नॉट डन। मैं इसे हार नहीं मानूंगा यार ना। कल सुबह मेरी आइटनरी में मैं जहाँ रुका हुआ वहाँ से मुझे नॉर्थ जाना है और उसके बीच में थोड़ा सा डिटूर अगर मिलूंगा तो मैं इस जगह पे वापस आ सकता हूँ। तो कल सुबह मैं जल्दी शुरू करूँगा और मैं यहाँ वापस आऊँगा और उस तरफ से इस जगह को करूँगा और फिर हार मानूँगा, क्योंकि जो मैंने सोचा है अगर मैं वो नहीं कर पाऊँ तो फिर बेकार है। सो ये पार्किंग स्पॉट, फाइनली मैं पहुंच गया हूँ इस बार नदी के इस तरफ। और ये वाला जो पार्किंग स्पॉट है कैनियन से 3 किलोमीटर पहले है, यानी यहाँ से 3 किलोमीटर आपको वॉक करते हुए जाना है, हाइक करते हुए। और हालांकि प्रॉपर ट्रैक बना हुआ है, प्रॉपर रोड ही बनी हुई है, गाड़ी भी चल सकती है, लेकिन पार्किंग स्पॉट यहाँ इसके आगे अलाउड नहीं है गाड़ी। लेकिन 3 किलोमीटर दूर होने के बावजूद ये जगह ज़्यादा फेमस है और यहाँ पर ज़्यादा गाड़ियाँ दिख रही है मुझे। ये देख सकते हो आप, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं लगातार, और एक पब्लिक वॉशरूम भी है विच इज़ सुपर कूल, ठीक है, जिसको आप यूज़ कर मिस यू के लिखा उसके ऊपर सीरियसली अंदर आई लव यू रूपा तो नहीं लिखा होगा कहीं, नो ऑफेंस टू एनी रूपा आउट देयर। 3 किलोमीटर की हाइक है, मतलब डेढ़ घंटा आना जाना, 36 मिनट 37 मिनट लग जाएगा, तो वही 75 मिनट में आना जाना होगा। कोई प्रॉब्लम तो लग जाएगा हमको, तो भाई ये वीडियो पर कंसेंट मिल गया है अब हमको, कुछ ले लेते हैं, काफी तो पी लेते हैं कॉफी है ना यार, ये तो बड़ा मस्त चीज़ है यार। हाँ, हॉट चॉकलेट अगर होगा तो जरूर ले लेंगे। नाइस, चलते चलते आपको ऐसे वाटरफॉल्स भी हिट करेंगे। यही एक्चुअली स्तुतला गिल वाटरफॉल और इसी के नाम से ये पार्किंग है, तो जो आप गूगल पे डालेंगे स्तुतला गिल वाटरफॉल तो आपको यही मिलेगा। और यहाँ से ये हाइक शुरू होती है, 30-35 मिनट की है, 2.5 किलोमीटर है, 2.5 से 3 किलोमीटर के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड आप कितनी जल्दी खत्म कर लेते हैं, बट 30 से 35 मिनट एवरेज टाइम है। सो 1 से 1.25 घंटा आना जाना और वॉट एवर टाइम यू वॉन्ट टू हैव। सो या लेट्स गो, लेट्स वॉक, देयर आर सो मेनी पीपल वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड ऑल्सो बिहाइंड मी। बिल्कुल ऐसे नदी के बगल में आप वॉक करते हो, पूरा अभी लाल लाल कलर जो होता है ना वो आने लग गया है, बिकॉज सेप्टेम्बर में फॉल शुरू हो जाता है और ये जो कलर है, जो ये ग्रीन जो कलर होता है वो चेंज होकर के थोड़ा रेड येलो होने लगता है, वो शुरू हो गया है, जो कि इस वॉक को और भी अच्छा बना रहा है। सो क्या मज़ा आ रहा है। ये रही वो जगह जहाँ पर मैं कल आया था, कल मैं इस जगह पर खड़ा होकर डिसअपॉइंट हो रहा था, एंड आई एम श्योर कि आज भी जो लोग आए उसमें से 50% लोगों को नहीं मालूम होगा कि वो नीचे नहीं उतर सकते इस जगह से। सो यप, आई एम हियर एंड I like it। और अब आगे चल करके थोड़ा देखते हैं कि नीचे कितने नीचे तक मैं जा सकता हूँ पानी के बिल्कुल पास, because I can see people there। See? बिल्कुल मैं सुतला कैनियन के बीचों बीच जो एक छोटी सी ये जगह बनी हुई है जहाँ पर आप ऐसे वॉक करते हुए आ सकते हो, मैं यहाँ पर आ गया एंड मैंने बस किसी एक को बोला कि मैं एक बार ड्रोन शॉट ले लूँ क्या, लोग इतने ज़्यादा अच्छे हैं, उन्होंने फटाफट सब ही निकल गए यहाँ से, मतलब मैंने खाली बोला था 2 कदम थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे कि मेरे को एक ड्रोन शॉट लेना है, वो सारे ही चले गए भाई पूरा ही, मतलब थोड़ी किस्मत भी है क्योंकि एक पूरा चाइनीज़ ग्रुप था और वो काफ़ी देर से यहाँ पे था, अचानक से एकदम से वो सारे लोग चले गए और ये पूरी की पूरी जगह मेरी हो गई। दिस इज द कैनियन, मैं काफ़ी किनारे खड़ा हूँ, इससे ज़्यादा जाऊँगा तो डर लग रहा है मुझे, क्योंकि ये सारे टूट रहे हैं पत्थर, ठीक है, तो अब इसमें से कौन सा पत्थर टूट के नीचे गिर जाएगा पता नहीं, और अगर मैं गया अंदर तो इट्स लाइक डेथ, सीधी मौत है भाई, क्योंकि पानी बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, करीब 3-4 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा पानी, और काफ़ी गहरा भी है, ऐसा नहीं है कि बहाव तेज है और तो गहरा नहीं होगा, गहरा भी बहुत है। ये जो सुतला गिल कैनियंस है ये इसी रिवर की वजह से बनी है, हर कैनियन रिवर की वजह से बनती है, लेकिन ये रिवर आजकल उतने फ्लो में नहीं है बिकॉज इसके ऊपर एक डैम बन गया है, एज यूजुअल ह्यूमन कंस्ट्रक्शन की वजह से नेचुरल डिस्टर्बेंसेस तो आते ही हैं, वैसे ही आया है। तो ये जब कैनियन बन रहा था
तब ये रिवर जो है बहुत अपने उफान पर थी, और 2004-5 के आसपास मेरे ख्याल से ये डैम बन गया इसमें आगे पीछे की तरफ, जिसकी वजह से इसका पानी जो है काफ़ी रुक गया है और ये उस लेवल पे नहीं बहती है। फिर भी आप देख रहे हो इसका क्या लेवल है पानी का। जो ये आप रॉक्स देख रहे हो ना, ये जो है ये बेसल्ट है, और ये सेडिमेंटेशन जो है ना, ये जब बिल्कुल उफान पे चलती थी नदी तो ये पूरा सेडिमेंटेशन जो अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर के आती थी उनका पूरा ये डिपॉजिट्स है। और आज के डेट में जब ये थोड़ा सा कम हो गया है तो ये काफ़ी दिखने लग गए हैं, और ये एक काइंड ऑफ नेचुरल वंडर बन गया है, तो काफ़ी सारे लोग इसको देखने के लिए आते हैं। कभी कभी जब डैम से फ्रेश पानी खोला जाता है ना, तो ये पूरा का पूरा जो ये नदी है वो ब्लू हो जाता है, और उसी वजह से ये इतना फेमस है और इतना टूरिस्टी और इतने सारे लोग यहाँ पर आते हैं। आज ये डैम नहीं खुला था, बट कोई बात नहीं, पानी ब्लू नहीं है तो क्या हुआ, मेरा जैकेट तो ब्लू है। फाइनली सेकेंड अटेम्प्ट में मैं यहाँ तक पहुँच पाया, यहाँ पे खड़े हो पाया और इस जगह को बहुत अच्छे से देख पाया। एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट कि कल जो मुझसे छूट गया था आज मैंने उसको पकड़ लिया है। तो मैंने अपनी गलती से सीखा, और मेरी गलती से आप लोग सीख लीजिए, उस तरफ नहीं आना है, यानी जो स्तुतला गिल पार्किंग स्पॉट है वहां तक नहीं आना है। स्तुतला गिल वाटरफॉल आपको गूगल पर डालना है तो आप इस जगह पे पहुंच चुके, और है दोनों बस इस तरफ और इस तरफ, लेकिन उस तरफ से आप नीचे नहीं आ सकते, और इस तरफ से आप नीचे बिल्कुल यहां जिस पॉइंट पर मैं खड़ा हूं यहां तक आ सकते। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहां से कितना सही व्यू था, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस तरफ से ही आओ और यहां तक तो आओ, क्योंकि बहुत इजी हाइक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम दिस प्लेस एंड दिस एपिसोड। अब यहां से अगला पड़ाव जो है वो आगे नॉर्थ की तरफ है, तो यहां से अब सवारी उस तरफ जाएगी, और वहां जाकर के एक नए गेस्ट हाउस में, इस बार गेस्ट हाउस बुक किया है, उसमें रुकेंगे और वहां पर क्या क्या घूमते हैं ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन वो सब कुछ अगले एपिसोड में। सो जल्दी मिलेंगे आइसलैंड के अगले एपिसोड से। अंटिल देन कीप ट्रैवलिंग एंड कीप वॉचिंग देसी टूरिस्ट। बाय बाय, टेक केयर।